टिकटॉकर खुद भी इच्छा नहीं है। अरे टिकटॉक को तो बैन कर दो यार, टिकटॉक का कोई फ्यूचर ही नहीं है। टिकटॉक ऐप मैंने तो इंस्टॉल भी नहीं किया, इतना ही फालतू ऐप, उसको तो बिल्कुल रिमूव कर दो, उसको बिल्कुल बैन कर दो। टिकटॉक से और पैसे कमा सकते हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। टिकटॉक तो खुद ही बड़ा है। 3, 2, 1 तो इस तरह के कमेंट्स आप लोग भी सुन रहे होंगे, इस तरह की जो फीडबैक है आप लोग भी ले रहे होंगे। बट ये जो वीडियो है ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा उन लोगों के लिए जो इस तरह की जो सोच रखते हैं, इस तरह की परसेप्शन रखते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं और टिकटॉक का क्या फ्यूचर है, जो कॉन्टेंट क्रिएटर जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट नामों से पुकारते हैं उनका क्या फ्यूचर है, आप क्लाइंट से किस तरह बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने जो बिजनेस है वो किस तरह ग्रो कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कहीं नहीं जाने का और इस वीडियो को पूरा देखने का। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसा हम सब लोग। अच्छा, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं कहूँगा मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका ये परसेप्शन बना हुआ है कि यार जो टिकटॉक है वो बहुत ही नेगेटिव, वहाँ पे कॉन्टेंट्स वगैरह अवेलेबल है और टिकटॉक को बैन हो जाना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह के डिफरेंट परसेप्शन लोग बने हुए और उन मासूम आवाम को नहीं पता कि आप इस प्लेटफॉर्म से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो ये अब आज की जो वीडियो है उसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि जो कंटेंट क्रिएटर है उनका क्या फ्यूचर है एंड आप किस तरह क्लाइंट से किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह सर्विसेज दे सकते हैं एंड ये सारी चीजें। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को पूरे देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में लास्ट में क्लिक करेगा ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर की, जो कि लोग बहुत ही एक होता है ना नेगेटिव सेक्शन बना हुआ है, बहुत सारे अलकबाज से उन्हें एक पुकारा जाता है, उनको याद किया जाता है। तो अगर मैं उनका आपको कहूँ कि इनकी कितनी डिमांड है इन मार्केट, अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूँ और इंटरनेशनल मार्केट की, तो आप लोग को एक होता है ये बहुत ही हैरान होगी और आप भी कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, आप भी सो कॉल्ड टिकटॉकर बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो नेगेटिव चीज है ये हर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जो नेगेटिव चीज है वो तो फेसबुक में भी अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। बट द थिंग इज कि आप उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं वो आप मैटर करता है। अगर आप लेट्स से अगर आप जिस तरह फेसबुक में, वहां पर बहुत सारे नेगेटिव चीज है, ठीक है, बहुत सारे वहां पे भी जिस तरह टिकटॉक में वहां पे भी उस तरह की नेगेटिव कंटेंट है। बट द थिंग इज कि अगर आप फेसबुक को पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अब आप जिस तरह लोग वहां से कितना बिजनेस कर रहे हैं फेसबुक से, इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ जो लोग सर्विस वगैरह दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंट मोनेटाइजेशन, बहुत सारी चीजें, कॉन्टेंट क्रिएटर जो है वो वहां से पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा। तो वहां पे लोग अगर हम लोग पॉजिटिवली यूज करें तो एक अच्छा एक पोटेंशियल है। इसी तरह टिकटॉक में भी है, अगर हम टिकटॉक को इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव हम अगर यूज करें तो उसमें भी पोटेंशियल बहुत है। अगर मैं सबसे पहले लोकल मार्केट की बात करूं, डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं कि यहाँ पे नेगेटिव कंटेंट है, बट द थिंग इज कि आप पॉजिटिवली किस तरह यूज कर सकते हैं ये सवाल बनता है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आप लोग को मैं एक डिमांड बता देता हूँ इंटरनेशनली, उसके प्राइसिंग, फिर मैं इस टॉपिक पे आ जाता हूँ कि आप किस तरह लोकल मार्केट में कॉन्टेंट क्रिएटर आप बन सकते हैं, किस तरह की कॉन्टेंट आप प्रमोट करें, ठीक है। तो अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो वहां पे आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पे लोग थाउजेंड ऑफ डॉलर रह रहे हैं एक दो वीडियोस के। रिसेंटली एक कंपनी है, उन्होंने एक ब्रांड में, तो उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर को अप्रोच किया और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर जिसकी जो मोर देन मिलियन फॉलोअर्स थे, और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था कि जो एक वीडियो के उसने कितने चार्ज किए। अगर आप सोचें 5 सेकेंड, अब आप सोचोगे तो $500 के होंगे, $1,000 के होंगे या $1,500 के होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। उसने जो इन्फ्लुएंस है वो $8,000 एक वीडियो चार्ज करते हैं, बट जो डील एंड हुई उनकी तो वही $10,000 फॉर 3 वीडियोस। ये मैं एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ, एक कॉन्टेंट क्रिएटर की 3 वीडियोस क्रिएट करने की कितने कमाए, $10,000, ठीक है। तो ये डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, और आप यकीन नहीं करेंगे कि कंटेंट क्रिएटर की इतनी डिमांड है इंटरनेशनल में कि हम लोग एक होता है ना कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं वहां पे इंटरनेशनली, वहां पे उनकी बहुत ज्यादा एक होता है ना कि बहुत डिमांड है। अच्छा, अगर इंटरनेशनल बात करूँ वहां पर भी इस तरह, वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव
ना कॉन्टेंट नंबर पॉजिटिव भी है वहां पे, अब क्या अगर हम उसको पॉजिटिवली यूज करें तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जो लोग पॉजिटिवली ले रहे हैं तो वो अच्छा जो है वर्न कर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनली इतनी अच्छी डिमांड है कि आप अच्छे अच्छे खासा अर्निंग कर सकते हैं, आपको एजेंसी अप्रोच कर सकती है, जिस तरह जिस एजेंसी में मैं काम करूँ बाकायदा हमने कॉन्टेंट क्रिएटर्स हायर किए हुए जो हमारे लिए जो हमारे क्लाइंट्स के लिए वीडियोज वगैरह बना रहे हैं और अच्छे खासे उनकी जो है वो सैलरी है पर मंथ, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ लोकली कि आप किस तरह कॉन्टेंट क्रिएटर बन सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह के कॉन्टेंट प्रमोट हो रहे हैं टिकटॉक में वो आप भी इस तरह करें, नहीं आप इस तरह नहीं करें। अच्छा तो आप क्या करें, जैसे कॉस्मेटिक निश में आप एक जो भी कंटेंट वगैरह है वो पोस्ट करना शुरू कर, ठीक है। जब भी आप मेकअप वगैरह कर रही हो, ठीक है, आप पोस्ट मतलब कि पोस्टर वगैरह करें किस तरह मेकअप होता है, आपने क्या किया कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपने कुछ आपने बाइंग किया उसके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट, अब क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्ड होगी, ठीक है। क्लैस अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करूँ, अब क्या होगा इन फ्यूचर, अब इन फ्यूचर क्या होगा कि लोग आपको अप्रोच करेंगे। और लोकल का जो बहुत बड़ा फीचर है कि लोकली अभी अभी लोग आने शुरू हुए हैं लोकली, ठीक है। अभी टिकटॉक पे लोग आना शुरू हुआ है, अभी अभी तो बहुत अभी होता है एंड टाइम मार्केट, अभी ब्रांड आएंगे बहुत बड़े, तो यही टाइम है हम इस पर एक होता ना कि कदम जमाने का। तो आप जिस तरह मैंने आपकी एग्जाम्पल दी कॉस्मेटिक्स की, आप उसकी वीडियोस पोस्ट करते रहे, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ, इससे क्या होगा कि आपको व्यूज मिलते रहेंगे और आपके फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, जिस तरह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं। अब क्या होगा कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपको लोग अप्रोच करेंगे कि हमें टिकटॉक की हमें वीडियोज वगैरह चाहिए, ठीक है, और आपकी एक अच्छी डिमांड होगी, ठीक है। आप इसको इस तरह पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कोई अपैरल वगैरह अगर कोई भी आपका इंटरेस्ट वगैरह है आप उस पर आप काम कर सकते हैं, जैसे किसी का कुकिंग में है, जैसे किसी का होम डेकोर में, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, किसी का पेट नीच से रिलेटेड है, तो उस तरह के कॉन्टेंट वगैरह पोस्ट करें और एक ही नीच पे स्पेसिफिक है, ठीक है, एक नीच पकड़ा और उसी से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाए, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होगा जो ब्रांड्स वगैरह होंगे उनको अप्रोच करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर को अप्रोच करेंगे, भाई मेरे ने कॉन्टेंट बनाए, ये प्रोडक्ट है, जिस तरह आप लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर में होता है वैसे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर में भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये सारी चीजें होगी। तो आप इस तरह पॉजिटिवली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे तो मोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है टिकटॉक पे, बट द थिंग इज कि इंशाल्लाह फ्यूचर में होगी जब ट्रैफिक अच्छी खासी आएगी, जब एड्स यहाँ पे अच्छे खासे चलेंगे, तो वही इंशाल्लाह फ्यूचर मोनेटाइजेशन भी होगी। बट द थिंग इज कि जो ब्रांड्स वाला जो पे करता है हमें भी पता है कि अगर एक ही ब्रांड वहीं से आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं। तो खैर आप लोग इस तरह आप लोग उसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है एक निश को चूज करें और उसी पे कंटेंट वगैरह क्रिएट करते रहे और उसी का फॉलोइंग आप बढ़ाते रहे। इससे क्या होगा कि लोग आपको जानने भी लगेंगे और अभी अभी लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो टिकटॉक जो कॉन्टेंट जो टिकटॉक में कॉन्टेंट क्रिएटर है जो उसको कॉन्टेंट का पता है वो किसी और को नहीं पता, ठीक है। जिस तरह मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को आइडिया नहीं कि टिकटॉक में किस तरह की वीडियो चलती है, वो जो जिस तरह उसको जो टिकटॉकर है या टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर है उसको ज्यादा बेटर पता है, अब उसको हायर करें, ठीक है। तो ये मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा था, मुझे पता है क्योंकि वहां पर ट्रेंडिंग ये सारी चीजें चल रही होती है टिकटॉक में, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ पे कॉन्टेंट क्रिएटर जो मुझे देख रहे हैं ऑडियंस वगैरह, कोशिश करें कि आप इस तरह की जो मैंने आपको चीजें शेयर की उसको आप फॉलो कर सकते हैं और जो पेज वगैरह है वो आप क्रिएट करें और वीडियोज बनाए, व्यूज हासिल करें और ब्रांड के लिए काम करें। उसके बाद आ जाते हैं आपकी सेकेंड चीज कि आप जो क्लाइंट्स उसको किस तरह सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा आप जैसे बता आप कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए करें जो एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट भी होती है, आप कुछ लोगों को तो यहाँ पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में एड्स भी रन होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में भी टिकटॉक रन हो सकते हैं तो अगर नहीं पता आप लोगों को तो भाई होते हैं, और अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं तो जो मेरा ब्लू प्रिंट का कोर्स है वो भी अवेलेबल है और सारे प्ले लिस्ट वगैरह सारे वीडियोज अवेलेबल है, जाकर देखिए लर्न करें और सर्विस वगैरह देना शुरू करें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि टिकटॉक एड्स भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह फेसबुक एड्स है वैसे टिकटॉक एड्स भी है। आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप लर्न करें, कहाँ से लर्न करें, मेरा चैनल अवेलेबल है, सारी भी वीडियो जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया आप सारी से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं फाइवर अपवर्क पे इंटरनेशनली और लोकली सर्विस वगैरह दे सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं, मोर देन $1000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं फ्रॉम द सर्विस ऑफ टिकटॉक एड्स, ठीक है। तो ये कि जो लोकली उस पर तो बहुत ही डिमांड है, ठीक है, अनटैप मार्केट एक बहुत कम लोग कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत ही डिमांड है। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ वहाँ भी बहुत ज्यादा डिमांड है, एजेंसीज को जो है रिक्वायर्ड है बहुत, जो टिकटॉक मीडिया बारे
जिसको हम टिकटॉक एडवर्टाइजर कहते हैं, ठीक है, जो फाइबर वगैरह है वहां पे कॉम्पिटिशन कम है, वहां पे सर्विस दे सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो आप लोग अगर आप ब्रांड के लिए आप एड्स वगैरह रन कर सकते हैं और उसे आप चार्ज करें और इस तरह भी आप अर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आप टिकटॉक के थ्रू बिजनेस किस तरह ग्रो कर सकते हैं। वो हिस्सा कर सकते हैं कि जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया कि टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट भी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगले साल अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है या ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, भले इंटरनेशनल या लोकली हो, आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेस पेज क्रिएट करें, वहां पर वीडियो पोस्ट करें, ऑर्गेनिकली भी सेल्स आएंगी, प्लस आप जो पेड एड्स हैं वो भी आप चला सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टिकटॉक पे भी एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे एडवर्टाइज करें, आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज करें, ठीक है, जो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर है उनको आप यूटिलाइज करें फॉर क्रिएटिव्स या फॉर वीडियोस, और उनको प्रमोट करें अपने जो बिजनेस वगैरह और अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो इस तरीके से आप लोग टिकटॉक को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग, जो वीडियो एडिटर है वो भी इसका बड़ा स्कोप है टिकटॉक वीडियो एडिटर का। तो मैं अगर ऐसा कोई भी वीडियो एडिटर ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो टिकटॉक से फैमिलियर रहे, कि उसको पता होगा कि टिकटॉक में किस तरह की वीडियोज बनती है। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें उसको अप्रोच करेगी, ठीक है, और ऐसी बड़ी डिमांड है, इंटरनेशनल बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि देखिए वीडियो एडिटर हर कोई है। मैं लोगों को ये एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ कि अगर से एक बंदा ऐसा है कि जिसको 10 साल की एक्सपीरियंस है, ठीक है, और एक बंदा ऐसा है जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है और टिकटॉक का उसको पता है, और जो दूसरा बंदा है जो जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको टिकटॉक का नहीं पता, तो मैं 1 साल वाले को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो हमारा जो मेन फोकस होता है वही होता है कि उसको पता हो कि टिकटॉक में किस तरह की वीडियो बनती है, वीडियो एडिटिंग हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द जो हमारा मेन फोकस होता है वही होता है कि उसको टिकटॉक का पता ही नहीं है, या वीडियोस किस तरह बनती है, वीडियोस होती किस तरह है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप अगर वीडियो एडिटर है, अगर आपने टिकटॉक वीडियो एडिटिंग अगर आपने नहीं सीखी, तो मेक श्योर करें कि जो वीडियोस वगैरह है वो जो टिकटॉक के आप देख सकते हैं, क्रिएटिव्स देख सकते हैं किस तरह के क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, जो मेरी वीडियोस है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल आप जो टिकटॉक को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, बिल्कुल हर जगह नेगेटिव चीजें होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको यूटिलाइज ही ना करें, ठीक है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें और एक होता नहीं कि बहुत ही उसको नेगेटिवली ट्रीट करें, तो मेक श्योर करें उसको पॉजिटिव यूज करें। और जिस तरह ने आपके एग्जाम्पल दी क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर क्या फीचर है, एडवर्टाइजमेंट आप लोग वी के रन कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल भी, ठीक है, और आप लोग जो वीडियो एडिटिंग है उसकी भी जो सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं, बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग टिकटॉक के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद है कि ये इस वीडियो के बाद आप भी टिकटॉक लर्न करेंगे, ठीक है, जो भी आप सर्विस दें, और आई होप कि आप लोग भी सर्विस वगैरह देंगे शुरू करेंगे। और तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस जो मेरा चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको लाजमी क्लिक करें, ताकि मैं जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। Thank you.